हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ट्रिक के साथ यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जो यूनिट डिजिट है वो कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है उसका हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें निकालना ही यूनिट डिजिट है, तो उससे हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट के ऊपर ही ऑपरेशन लगाएंगे और उसी को चेक करेंगे। जो ऑपरेशन है वो कुछ भी हो सकता है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीज़न या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है 694, इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 4 है। और 538 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 8 है। अब हमने 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 32। और जो 32 है उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अब हम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 787 की यूनिट डिजिट के साथ। अब हमने यूनिट डिजिट 7 है तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 14। और जो 14 है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 4। अब हम 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 523 के यूनिट डिजिट के साथ। और जो हमारा यूनिट डिजिट है वो क्या है, 3 है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 को 3 से तो क्या आया, 12। और जो 12 है उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2। तो इसका मतलब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। जैसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 997। जो 997 है इसके अंदर यूनिट डिजिट है वो क्या है, 7 है। अब हम 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 868 के जो यूनिट डिजिट है उसके साथ क्या है, 8 है। तो 7 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 56 आ गया। और जो 56 है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो अब हम 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 949 के यूनिट डिजिट के साथ। यूनिट डिजिट क्या हमारा, 9 है। तो 6 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 54 आ गया। और जो 54 है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। अब हम 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 666 के यूनिट डिजिट के साथ। और यूनिट डिजिट हमारा 6, तो 4 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 24 आ गया। और जो 24 है उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 5 है। और जो हमने 5 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, 20। और जो 20 है उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इसको हम सोल्व करेंगे जो हमारा नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे x की पावर n है, तो यहाँ पे जो x है वो किसका काम कर रहा है, किसी नंबर का काम कर रहा है, ठीक है। और जो n है वो किसका काम कर रहा है, पावर का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो जो हमारा नंबर है उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6 है, तो हमें n से कोई भी मतलब नहीं है, कुछ भी हो हम सीधा डायरेक्ट जो हमारा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट, नंबर का जो यूनिट डिजिट है वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर का यूनिट डिजिट आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं, यहाँ पे क्या है, 5640 की पावर 4566 है। अब हमने यहाँ पे पावर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमारा 5640 है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो यूनिट डिजिट 0 है तो इसका मतलब अब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, 5751 की पावर 4357। अब भी यहाँ पे हमें पावर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमारी जो यूनिट डिजिट है इस नंबर की वो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब इसको हम सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है, 625 की पावर 317
तो यहाँ पे हमने देखा कि 625 है, उसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो पावर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। और 341 है, उसका यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 है तो हमें पावर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1 आ गया। और 986 है, यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया। तो अब हमने ऐड किया कि 625 का 5 आ गया था और 341 का 1 आ गया था, और 986 का हमारा जो यूनिट डिजिट था वो क्या आ गया था, 6 आ गया था। तो हमें ऑपरेशन क्या दिया गया है, एडिशन का, तो इनको ऐड कर देंगे यूनिट डिजिट को, क्या आ गया, सोल्व किया तो 12 आया, और जो 12 है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 होगी। तो इसका मतलब हम इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, जैसे मान लिया हमारा कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 9 है, तो उसका अब उसके ऊपर हमें n का चेक करना जरूरी है, नहीं है, है भाई, क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ पे n चेक करेंगे कि n है वो ओड है या इवन है। मान लिया n ओड है तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा आंसर का वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर इवन है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, जैसे देखो अब हम मान लिया 9 की पावर 1 है, क्या आया, 9 आया, और 9 की पावर 3 ली तो हमने क्या आया, 729, यूनिट डिजिट क्या होगी, 9। तो इसका मतलब अगर यूनिट डिजिट हमारा 9 है और पावर ओड है तो उसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इवन है पावर तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास एग्जांपल, 1199 की पावर 2345। अब यहाँ पे हमने देखा यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, और पावर अब यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कि ओड है या इवन है। जो पावर है वो क्या है, ओड है, तो इसका मतलब जो हमारा इसका जो आंसर आएगा सोल्व करने के बाद वो क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमारे पास एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे 54321 है की पावर 4567। अब पावर देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है जो यहाँ पे 54321 है इसकी यूनिट डिजिट 1 है, और हमने पढ़ा था अगर 0, 1, 5 और 6 है यूनिट डिजिट तो पावर देखने की जरूरत नहीं है, उसके जो आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो वही हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया। ठीक है, और 4, 3, 5, 6 की पावर 897, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो हम यहाँ पे भी हमने किसको पावर देखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा एज इट इज़। नेक्स्ट है हमारे पास 5599, अब यहाँ पे क्या आ गया, यूनिट डिजिट 9 आ गया, और अब हमने यहाँ पे पावर को चेक करना पड़ेगा कि पावर ओड है या इवन है ना, जो हमारी जो पावर है वो क्या है, ओड है, ओड है, तो इसका मतलब जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और आगे हमारे पास 4325, यहाँ पे क्या है, 5 यूनिट डिजिट, हमें पावर से कोई लेना देना ही नहीं है, क्यों, हम अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 आ जाए तो पावर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जो डायरेक्ट जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, नंबर वाला ही हो जाएगा। ठीक है, क्या है, 5, तो यहाँ पे आ गया 5। अब इनको हमें हमारे पास ऑपरेशन दे रखा ना एडिशन का, इनको ऐड कर देंगे, क्या था, 1 प्लस में 6 7, और 7 प्लस में 5 12। ओके, अब यहाँ पे 12 में हम 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 21, और जो 21 है उसका जो हमारा यूनिट डिजिट है वो क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब इसको हम सोल्व करेंगे कंप्लीट को तो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल, जैसे मान लिया n हमारा यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, तो वहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि n है वो ओड है या इवन है। अगर मान लिया जो n है वो क्या हो गया, ओड नंबर आ गया, तो
वहाँ पे जो हमारे यूनिट डिजिट होगा आंसर का वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इवन है तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैसे, मानो 4 की पावर 1 क्या आ गया, 4, और 4 की पावर 2 करेंगे तो 16, मतलब यूनिट डिजिट 6। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हमसे ये दे रखा है और हमने क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। यहाँ पे क्या है, 9464 की पावर 467। अब यहाँ पे हमने देखा कि यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 है तो हमें पावर से मतलब है ना कि इवन है या ओड है। हमने देखी जो पावर है वो क्या है, ओड है, और ओड के लिए हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट है जो वो क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, और यहाँ पे अनदर है 9566, और 6 की पावर क्या दे रखी है, 456। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट अगर 6 आ जाता है तो 6 ही आएगा। तो अब क्या आया, 9464 का यूनिट डिजिट 4 आया, और 9566 का हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो क्या आया, 6 आ गया। तो हाँ, हमारे पास ऑपरेशन मल्टीप्लाई का दे रखा है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 4 जो 24, मतलब जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रहता है। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। देखा, इस एग्जाम्पल को और करते हैं, 199 की पावर 468। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है, और 9 की पावर अब हमने चेक करनी पड़ेगी ना कि ओड है या इवन है। जो पावर है वो क्या है, इवन है। तो हमने पढ़ा था अगर 9 की पावर इवन होगी तो क्या आ जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, है ना। हाँ, और आगे इसका आगे क्या है, 464, और जो 464 है यूनिट डिजिट क्या है, 4। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि पावर इवन है या ओड है। पावर क्या है, ओड है, 4 की पावर ओड होती है, तो हमारा आंसर क्या आता है, यूनिट डिजिट का 4 आता है। ठीक है, और यहाँ पे 1565 है, यूनिट डिजिट 5 आ गया, और 5 का ये क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5 ही आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखो 199 का यूनिट डिजिट क्या आया था, 1 आया था, और 464 का क्या आया था, 4 आ गया था, है ना, और 1565 का हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया था, 5 आ गया था। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखे है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 5 20, और जो 20 है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो इसका मतलब जो यूनिट डिजिट होगा उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास नंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं ना, कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और हमने यहाँ पे किस किस की पढ़ ली, 0 का 1 का 4 का 5 का 6 का, है ना, ये हमने पढ़ लिया, और एक 9 का। बच क्या क्या गई हमारे पास, 2 3 7 और 8, ये बच गए। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का 2 3 7 या 8 है, तो हम जो पावर है ना उसको चेक करेंगे, जो पावर आएगी उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, नंबर की पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के साथ करते हैं, जैसे 2 की पावर 65 है ना। अब 2 की पावर 65 हमने देखा, 65 को हमने डिवाइड किया किससे, 4 से डिवाइड करके, देखो 65 को 4 से, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 2, और फिर आगे क्या है, 5, 4 6 जा 24, हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 1। इसका मतलब 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 की पावर 1 क्या होती है, 2। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे ओवरऑल, तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 3 के लिए चेक करेंगे कि 3 की पावर 108 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 108 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से हमने डिवाइड किया तो क्या आया, 4 2 जा 8, बचा 2 और उतारा 8, तो क्या आया, 4 7 जा 28, तो रिमाइंडर क्या आया, 0। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 0, हर हमको पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाती है तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका हमारा जो यूनिट डिजिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
ठीक है, ऐसे ही अब हम 7 के लिए देखेंगे कि 7 की पावर 95 है, तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करना था ना, 4 से किया, 4 टू ज़ा 8 15, 4 थ्री ज़ा 12 12, तो बचा क्या 3, तो रिमाइंडर हमारा 3 आ गया, तो इसका मतलब 7 की पावर 3 कर देंगे हम, है ना। और हमें पता है 7 7 जा 49, और 49 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 63 सिक्स कैरी सच 28 और 6 वो, और हमने आगे देखना ही नहीं है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया 3, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 3, तो इसका मतलब 7 की पावर 95 है, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, बाय।